नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत में राकेश। एक ओर जहां योगी आदित्यनाथ सूबे में कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, वहीं राजधानी लखनऊ के हालात तो कुछ और ही हकीकत बयां कर रहे हैं। प्रदेश में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि राजधानी के सबसे पॉश इलाके हजरतगंज में एक हिंदुवादी नेता की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो इस हत्या के बाद इलाके में सनसनी का माहौल फैला हुआ है। हालांकि पुलिस लगातार तफ्तीश में जुटी है कि इस हत्या के पीछे किसकी साजिश है और इस हत्या के पीछे किन हत्यारों का हाथ है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवालिया निशान खड़ा हो गया है। यहां राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में विश्व हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत बच्चन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या तब की गई जब वह टहलने गए थे। दरअसल रंजीत रंजन सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया और ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। गोली लगने के कारण रंजीत की मौत हो गई। रंजीत की CDRI के पास गोली मारकर हत्या की गई है और इस वारदात को अंजाम दिया गया है। एक ओर जहां योगी आदित्यनाथ सूबे में कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं, वही राजधानी लखनऊ के हालात तो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। प्रदेश में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है, इस बात का अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि राजधानी के सबसे पॉश इलाके हजरतगंज में एक और हिंदुवादी नेता की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। मॉर्निंग वॉक के लिए निकले विश्व हिंदू महासभा के अध्यक्ष रंजीत बच्चन की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इससे पहले बीते साल हिंदुवादी नेता और हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। जानकारी के मुताबिक गोरखपुर के रहने वाले रंजीत जब सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले तो बाइक सवार बदमाशों ने उनके सिर में गोली मार दी। रंजीत की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस हत्यारों की तलाश में जुट गई है। फिलहाल नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।